हम यहाँ मैनेज कर रहे हैं, हमारे हमारे पास में कुछ नहीं है। हमें टोकन दो, फिर टोकन दो हमें। कल के लिए कल आएगी, कल टोकन मिलेगा, फिर कल और पांच छह घंटे खड़े। कुछ नहीं होएगा, ऐसे कुछ नहीं होएगा। ये देखो जी, मेरे हम खड़े हैं। सरकार ने जितनी डोज भेजनी है हम उतनी ही लगाएंगे। हम सिविल अस्पताल से स्टाफ आ रहा है, सिविल अस्पताल से स्टाफ आ रहा है, सिविल अस्पताल से डोज आ रही है। हम सिर्फ मैनेज कर रहे हैं अपने कॉलेज में। बाहर बोर्ड लगवाया है, 10 बजे का बाहर बोर्ड लगा है। हैं जी, आप तो कह रहे हो 5 घंटे बाद लगवाया है। 7 बजे खड़े कैसे नहीं आप अंदर आए? आखिर एक ही हो रहा है, वैक्सीनेशन के नाम तो लोगों नु मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है? जब वैक्सीन लगवाने लिए बुलाया ही है तो वैक्सीन लगवाने आए लोगों नु तंग परेशान क्यों किया जा रहा है? जी हाँ, मामला देवकी जैन कॉलेज का है, जिथे सवेर तो भुखे भाने खड़े लोगों नाल वैक्सीनेशन के नाम से खड़ाया तो गया पर वैक्सीन नहीं लगाई। लोगों का इस प्रति गुस्सा बाहर आया है। उन्होंने इतने तक वैक्सीनेशन सेंटर पर इल्ज़ाम लगा दिए ने कि वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों से ही वैक्सीन लगा रहे हैं। आओ थोनों सुनाने की कहना इन्हों का। नहीं, कोई नहीं हो रहा जी। देखो जी, थोड़े बहुत जो स्टाफ के मैंबर ने उन्होंने हो रहा वै, बाकी कोई नहीं हो रहा वै। वैक्सीन 250 वैक्सीन आई है। सारे उपर लगी है जी, असं कुछ नहीं कर रहे, रजिस्ट्रेशन हो रही है, जो सब कुछ लग रहा वै। ये देखो लोग हूँ बाहर हज़ार खड़े हो गए, असं कुछ नहीं कर सकते। जो बाहर दंगा होगा कुछ की करा, हूँ 45+ की हले भी वैक्सीन हैगी है, 45+ की हले भी लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी है। 18+ की 250 वैक्सीन आई है, उदा भी 250 वैक्सीन आई है, दोनों का कोटा अलग अलग है। वैक्सीन जी है 250+ वाली, जी 18+ वाली है स्टेट गवर्नमेंट की आती है, जी 45+ है वो सेंटर गवर्नमेंट तो आती है, इसलिए उन्होंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन होती है। टोकन देखो जी, जिन्हें टोकन असं दे दें बाहर, कुछ लोग आते हैं टोकन लै जाते हैं, कोई जबरदस्ती भी आ जाते हैं। देखो कुछ तो अकोमोडेट थोड़े जे स्टाफ मैंबर सानू करना पैंदा वा। कोई सोशल डिस्टेंस कोई मेनटेन नहीं कर रहे, लोग देख लो हूँ किस तरह डॉक्टर ने बहस कर रहे हैं। मैसेज असी तो मैसेज देना चाहते, असी इसका वॉलंटियरली असी काम कर रहे हैं, साड़ी टीम सवेरे 7 बजे तो लैके इतने आके कर रही है पूरा काम। असी पूरा कोई असी पानी तक नहीं किसी अपने मैंबर ने साढ़े ने पीता, सारे मैंबर लगे हुए हैं, असी वॉलंटरी कर रहे हैं। सानू असी कुछ नहीं है भी, सिर्फ लोगों वास्ते। नहीं, ये कुछ नहीं है जी, नलैकी कुछ नहीं है, सरकार अपना पूरा काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी है। वैक्सीन थोड़ी थोड़ी आती है रोज़, चंडीगढ़ जिनी वैक्सीन इशू होंगी है सारे डिस्ट्रीब्यूट करके 15 सेंटर है, 15 सेंटर जो सारी सारी करके आ रही है। हूँ लोग हज़ार लोग एकदम रश पै गया 18+ का, 45+ की कोई वैक्सीन हबड़ा दबड़ी नहीं हैगी। सुनना चाह रहे हो आप कि 5 बजे से सुबह बाहर खड़े हैं और बोल रहे हैं कि 400 समथिंग इंजेक्शन है, आप 50 बंदों को भी नहीं लगाए? 130 बंदे नु इंजेक्शन लाके 6 बजे से कुछ नहीं कहा जा रहा। नहीं कह रहे हैं लग जाएंगे, अगर लग जाएंगे तो लगाओ ना, फिर कहते थोड़ी देर बाद बोल रहे हैं कि है नहीं इंजेक्शन। इसका मतलब ये थोड़ी हम पागलों की तरह खड़े रहे, इंसान की हजार मजबूरी है, हम लोग धूप में खड़े कल को बीमार हो जाएंगे, उसकी गारंटी किसकी है ये बताओ पहले। हम ये जो सेतु ऐप है ये तो बेकार है, फिर लोगों को गुमराह कर रहे हो, बिल्कुल गुमराह कर रहे हो। अच्छी गल थोड़ा सिटीजनशिप भी साढ़े लिए। मैं 8 बजे से लाइन में लगा हुआ हूँ, अब लाइन के बाद उन्होंने गेट पर जाके बोलते हैं कि वैक्सीन खत्म हो गई। बड़े देर के बाद फिर उसने बोला, पुलिस वाले मुलाजिम थे जो बोलते हैं कि हाँ अंदर है वैक्सीन, अब यहाँ आने के बाद ये गेट बंद कर दिए, कह रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो गई, अब हम लोग क्या करें? 3 घंटे हो गए खड़े खड़े। हाँ जी, किसकी नाकामी है इसके पीछे? अब इसके पीछे तो या फिर अपनी जो स्टाफ है इनकी ही कमियाँ हैं, पीछे तो वैक्सीन आ ही रही, सारी कुछ आ रही है। मेरे को आपको कि क्या कारण है जो नहीं लग रहा वैक्सीन? अब मुझे तो ये लगा कि शायद ये चोरी चोरी कुछ वैक्सीन इधर उधर कर रहे हैं, नॉर्मल बंदे को हमें मिल नहीं रहा, हमें लग नहीं रहा। मुझे आगे क्या मांग करते हो सरकार से? आगे ये कहते हैं कि नॉर्मली सबको इस तरह से वैक्सीन लगे ताकि बंदे कंफर्टेबल आए जाए, इतना शोर शराबा ना हो, इतने भीड़ भड़ाके ना हो, आने के बाद भी टाइम खराब हो गया, ऊपर से वैक्सीन ना लगे, लोगों के मन में क्या चलेगा? यही चलेगा कि मन में इनके चोर हैं या फिर ऐसा कुछ है। कोई आला अधिकारी आए थे सवेरे से, कोई वार्ड काउंसिल रही है कोई? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब थोड़ी भीड़ भड़ाका हुई पुलिस मुलाजिम आए, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया।
लोग ऐसे खड़े हैं, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा, कुछ भी नहीं कर रहे यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। और दूसरों को बोलते हैं मास्क लगा के रखो, अपने आपने इन्होंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। मैं निर्मला देवी, और असी 7 बजे तो इतने खड़े भुखे प्यासे, आप इतने चाह पानी आराम नाल पींदे पे, सानू नहीं कहते पे, और असी भुखे प्यासे बैठे हूँ कहते टीके खत्म हो गए। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਸੀਨ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰੇ, ਮੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਟੀ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਲਈ ਹਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।